पूरे जो प्रभारी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ढाई ढाई साल सबको मौका मिलना चाहिए। और हमारे जो प्रभारी महोदय काफ़ी अनुभवी हैं और उनके काफ़ी विंग है, पता कर लेंगे कौन है क्या है। और हमसे आप क्या पूछ रहे हैं, हमसे अच्छा तो आप जान रहे हैं पर चापलूस कौन है क्या है नहीं है। 24 घंटा कुछ लोग हैं जो इरफान फोबिया हो गया है, आला कमान से लेकर प्रभारी महोदय तक स्टार्ट करता है कि इरफान अंसारी इरफान अंसारी इरफान अंसारी। भाजपा के नाम में भी, भाजपा को भी इरफान अंसारी से दुश्मन है और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं जो उसको भी इरफान अंसारी से दुश्मनी है। तो आप प्रभारी महोदय को देखना है कि अच्छा कौन है, गलत क्या है, सही क्या है, और आकलन करेंगे और हम लोग अच्छा करेंगे, हम विश्वास करते हैं। देखिए अभी हम लोग मिले थे और जामताड़ा जिला का एक डेलीगेशन हम लोग मिले, जिलावार लोगों से हमारे प्रभारी महोदय मिल रहे हैं और ग्रास रूट के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी कि किस तरह से 3 सालों में कांग्रेस पार्टी को एक मिशन के तहत क्रश करने का काम किया जा रहा था। वो अच्छा हुआ कि देर आए दुरुस्त आए और हम लोगों ने सारी अपनी बातों से अवगत प्रभारी महोदय को करा दिया है, कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग कमज़ोर हैं, कौन कौन लोग पार्टी को क्रश किया, ये सारी बातें हम लोगों ने उनको बिंदुवार तरीके से बता दिया है। और आज हम लोग अकेले में मिलेंगे तो मैंने ये भी कहा कि पार्टी है तभी इरफान अंसारी है, पार्टी है तभी हमारे कार्यकर्ता हैं। आज हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको जो सम्मान दिलाना चाहिए था हम लोग नहीं दिला पा रहे हैं। पदाधिकारी आज हावी है, पदाधिकारी हमारी बातों को नहीं सुन रहा है और ना जाने लगता आज भी भाजपा माइंडेड पदाधिकारी जो हैं पदस्थापित हैं, क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या कारण है कि हम लोग नहीं हटा पा रहे हैं। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने बताया है और हम कांग्रेस पार्टी को कैसे हम लोग मजबूत करें, सदस्य कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ और पार्टी लेवल को कैसे हम लोग जमीनी स्तर पर लाने का काम करें। और दूसरी बात है कि हमने प्रभारी महोदय से आग्रह किया है कि आप जिलावार आप आइए और सबसे पहले जामताड़ा आइए और देखिए कि हमारी शक्ति क्या है, जनता किसके साथ है। 24 घंटा कुछ लोग हैं जो इरफान फोबिया हो गया है, आला कमान से लेकर प्रभारी महोदय तक स्टार्ट करता है कि इरफान अंसारी इरफान अंसारी इरफान अंसारी। भाजपा के नाम में भी, भाजपा को भी इरफान अंसारी से दुश्मन है और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं जो उसको भी इरफान अंसारी से दुश्मनी है। तो आप प्रभारी महोदय को देखना है कि अच्छा कौन है, गलत क्या है, सही क्या है, और आकलन करेंगे और हम लोग अच्छा करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। इरफान जी, कल आपने कहा था कि प्रभारी चापलूसों से घिरे हैं, तो ये कौन है ऐसा चापलूस, ये बताया आपने? अब देखिए बातें तो कल हो गई है, विस्तार पूर्वक बातें हुई है और हमारे जो प्रभारी महोदय काफ़ी अनुभवी हैं और उनके काफ़ी विंग है, पता कर लेंगे कौन है क्या है। और हमसे आप क्या पूछ रहे हैं, हमसे अच्छा तो आप जान रहे हैं पर चापलूस कौन है क्या है नहीं है, नहीं हमसे तो अच्छा तो आप जा रहे हैं विपिन जी। आपके बयानबाजी से भी पार्टी की फजीहत होती है, कमजोर पार्टी होती है, जिस तरह का बयान आप लगातार देते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखिए कांग्रेस से जुड़े हैं हम, कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी तभी नहीं इरफान अंसारी अच्छा करेगा, फजीहत क्या होगी, सच बात बोलते हो तो फजीहत हो जाती है क्या? और रूम के अंदर बंद करके आप गलत कीजिएगा तो ये फजीहत नहीं होती है। अगर मैं आगाह कर देता हूँ तो कौन सा गलती करता हूँ, तो अगर आप बोलिएगा तो नहीं बोलेंगे, ऐसा क्या फजीहत? कांग्रेस पार्टी से हम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है तभी इरफान अंसारी विधायक है, तभी हमारे लोग मंत्री हैं, तभी हमारे लोग सांसद हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलिए। मंत्री बदलने की गुहार लगाई आपके ऊपर भी आप? आप दोनों बात बोलते हैं, फजीहत भी बोलते हैं, मंत्री भी बोलते हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? चलिए देखिए, मैं देखिए 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 मेरी बात सुनिए ना, संगठन एक संगठन को धार बनाना है, संगठन को मजबूती करना है और हमारे विधायक ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आए, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। और रही बात कि मंत्री बदलना नहीं बदलना, ये मेरे हाथ में तो नहीं है, हम लोग तो मांग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, हम पूरे जो प्रभारी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ढाई ढाई साल सबको मौका मिलना चाहिए। बात खत्म। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in